लाल सिंह चड्ढा, ये नाम जब सबके जहन में आती है तो आमिर खान की आने वाली फिल्म सबके सामने आ जाती है। पर क्या आप जानते हैं आखिर लाल सिंह चड्ढा कौन है और इनकी पूरी कहानी क्या है? लाल सिंह चड्ढा ऐसे महान शख्सियत थे जिनको राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, इस वजह से हर कोई इनका मजाक बनाया करता था। किसी भी स्कूल में उनका दाखिला नहीं हो पा रहा था। उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उनका स्कूल में दाखिला कराया। स्कूल में बच्चे उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी माँ लाल सिंह का हौसला बढ़ाती रहती थी। वो कहती थी कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम वो सब कर सकते हो जो सब कर सकते हैं। एक बार की बात है, उनके स्कूल में एक रेस होती है जिसमें लाल सिंह को हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है, लेकिन उनका दोस्त गुरप्रीत इस रेस में शामिल होता है और इस बात से लाल सिंह बहुत खुश होते हैं। रेस शुरू हो जाती है और रेस के दौरान गुरप्रीत को चोट लग जाती है और वह गिर जाता है। ये देखकर लाल सिंह गुरप्रीत के पास दौड़ कर जाते हैं और अपने दोस्त को कंधे पे उठाकर रेस जिता देते हैं। ये देखकर ना केवल जज बल्कि स्कूल के सभी टीचर और स्टूडेंट भी चौंक जाते हैं। उनकी इस परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें आगे स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। स्कूल पूरी कर लेने के बाद लाल सिंह कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। मानसिक रूप से बीमार होने से कोई भी उनसे दोस्ती नहीं करता है। जब कॉलेज का आखिरी दिन होता है तो एथलेटिक्स प्लेयर को आर्मी में जाने का मौका मिलता है और लाल सिंह आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। लाल सिंह का दोस्त गुरप्रीत अपने पिताजी की तरह ही मिठाई का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन पिताजी के दबाव में आकर वो भी आर्मी ज्वाइन कर लेता है। इधर सिमरन भी सिंगर बनने के लिए मुंबई चली जाती है और लाल सिंह सिमरन को मन ही मन चाहने लगते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाती है। इस जंग में लाल सिंह और उनके दोस्त गुरप्रीत को जंग पे भेज दिया जाता है। गुरप्रीत लाल सिंह को कहता है कि मैं इस जंग में मरना नहीं चाहता, बल्कि अपने पिता की तरह मिठाई का बिजनेस करना चाहता हूँ और अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। जंग के दौरान एक ब्लास्ट होता है जिसमें कई सैनिक मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। इस ब्लास्ट में लाल सिंह बच जाते हैं। वे जंग के बीच में ही छोड़कर घायल सैनिकों को बचाने लग जाते हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पे पहुंचा देते हैं। लेकिन उन्हें जब पता चलता है कि उनका दोस्त गुरप्रीत इस जंग में मारा गया तो उन्हें बहुत दुख होता है। इस जंग में अपनी बहादुरी के लिए लाल सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा कई एथलेटिक्स रेस जीतने से उन्हें अवार्ड भी मिलते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद लाल सिंह अपने गांव आ जाते हैं अपने जिगर के दोस्त गुरप्रीत का सपना पूरा करने। वह गुरप्रीत के नाम से गांव में एक मिठाई की दुकान खोलते हैं। कुछ समय बाद पंजाब में दंगे शुरू हो जाते हैं। इन दंगों में कई लोग घायल हो जाते हैं और कईयों के घर भी जल के खाक हो जाते हैं, लेकिन लाल सिंह की दुकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। धीरे धीरे हालात ठीक होने लगते हैं और लाल सिंह की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। तभी अचानक उनकी माँ बीमार हो जाती हैं। ऐसे में वह अपनी दुकान गुरप्रीत के पिता को संभालने के लिए दे देते हैं। फिर कैंसर की वजह से लाल सिंह की माँ की मृत्यु हो जाती है। इधर सिमरन, जिसे लाल सिंह प्यार करते हैं, सिंगर बनने के चक्कर में गलत लोगों पर भरोसा कर बैठती है। अब वो चाह कर भी अपने गांव वापस नहीं आ पाती। सिमरन खुदकुशी करने की कोशिश करती है लेकिन बच जाती है और इस प्रयास में उसे कुछ चोट लग जाती है। जब लाल सिंह को ये खबर मिलती है तो वह सिमरन को अपने घर ले आते हैं। लाल सिंह सिमरन को बहुत चाहते हैं और एक दिन उसे अपने दिल की बात बता देते हैं। सिमरन भी उनसे बहुत प्यार करती है लेकिन बताती नहीं है।
और फिर एक दिन वह लाल सिंह को बिना बताए घर छोड़ के चली जाती है। अब लाल सिंह अकेले पड़ जाते हैं। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह अपना सब कुछ छोड़कर दौड़कर दुनिया का चक्कर लगाने लगते हैं। फिर से लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, कुछ लोग भी उनके दौड़ में साथ हो जाते हैं। धीरे धीरे लाल सिंह फेमस हो जाते हैं और उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है। उन दिनों टीवी और न्यूज़पेपरों में उन्हीं की चर्चा होती थी। सिमरन को जब इस बात का पता चला तो वह लाल सिंह को एक पत्र लिखती है और उन्हें बधाई देती है। फिर लाल सिंह सिमरन का पता लगाकर उनसे मिलने चले जाते हैं और सिमरन से मिलकर लाल सिंह को पता लगता है कि सिमरन का एक बेटा भी है। सिमरन उन्हें बताती हैं कि ये बेटा किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं का है। ये सब सुनकर लाल सिंह बहुत भावुक हो जाते हैं और पूछते हैं कि कहीं मेरा बेटा मेरी तरह मानसिक रूप से कमज़ोर तो नहीं। लेकिन सिमरन लाल सिंह को बताती हैं कि उनका बेटा बहुत बुद्धिमान है। सिमरन उनसे एक बात और बताती हैं कि वह बहुत बीमार हैं और अब उनके पास ज़्यादा वक्त ना रहा। और कुछ दिनों बाद सिमरन की मृत्यु हो जाती है और लाल सिंह अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब लाल सिंह के पास उनका बच्चा ही जीने का एकमात्र उम्मीद रह जाता है और अपने बच्चे के साथ लाल सिंह अपनी बाकी की ज़िंदगी हंसी खुशी बिताते हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।